हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर भरत, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आपका हेल्थ गुरु में स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में ऐसे एक एक्यूप्रेशर मसाज की टेक्निक आपको सिखाने वाले हैं कि जिनको अगर आप दिन में एक बार 2 से 3 मिनट के लिए भी कर लेते हो तो शरीर के किसी भी जॉइंट में अगर आपको दर्द हो रहा है, वहाँ पर आर्थराइटिस है या फिर वहाँ पर सूजन आपको आ रहा है, तो उसमें आप फायदा ले सकते हो। तो ये मसाज की टेक्निक को डिटेल में जान लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो फुट है, फुट का सेकंड टो की अंदर की जो यह लाइन आपको दिख रही है, यह लाइन के ऊपर हमें मसाज करना है। तो इस तरीके से थंब का इस्तेमाल करके यह पूरी लाइन के ऊपर 2 से 3 मिनट के लिए मसाज करना है। यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी यह लाइन होती है, ये पूरी लाइन पर अच्छे से दबाव देके इनको मसाज करना है, या फिर इस तरीके का जो टूल होता है इनका इस्तेमाल करके भी आप यह पूरी लाइन को एक्टिवेट कर सकते हो मसाज देके। तो यह वाली जो लाइन है वह डॉक्टर वॉल का जो इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर है, इनका यह जेडी मेडियन है, यानी कि जॉइंट डी जनरेशन मेडियन हमारा यह सेकंड टो के अंदर की साइड यहाँ से लेके यहाँ तक होता है। तो यह पूरे मेडियन के ऊपर मसाज देके आप यह जेडी मेडियन को एक्टिवेट करके शरीर के हर एक जॉइंट के ऊपर इनका प्रभाव डाल के वहाँ पर हीलिंग इफेक्ट ला सकते हो। इनके अलावा यह जो मेडियन है इनके ऊपर अलग अलग एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, वह पॉइंट्स के ऊपर दबाव आने से वह पॉइंट्स भी हमारे एक्टिवेट होते हैं। जैसे कि यह वाला जो पॉइंट है वह है JD1 पॉइंट, इनके ऊपर दबाव आने से हमारे कमर के जॉइंट्स, हीप जॉइंट, नी जॉइंट और एंकल जॉइंट के ऊपर इनका प्रभाव डाल सकते हो। यह वाला है JD2 पॉइंट, इनके ऊपर दबाव आने से हमारे अपर बैक की जो वर्टेब्री होती है इनके बीच वाले जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट और रिस्ट जॉइंट के ऊपर प्रभाव डाल के वहाँ पर फायदा ले सकते हो। यह वाला पॉइंट है JD3 पॉइंट, इनके ऊपर दबाव आने से हमारे गर्दन के जॉइंट्स, हमारे जबड़े का जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पर इनकी इफेक्ट आप डाल सकते हो। यह वाला जो पॉइंट है वह है JD1 पॉइंट, यह पॉइंट को जेडी मेडियन का CMP यानी कि कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट बोला जाता है, क्योंकि इनको दबाने से आप शरीर के हर एक जोड़ के ऊपर प्रभाव डाल सकते हो। यह वाला पॉइंट है JD1C पॉइंट, इनके ऊपर दबाव आने से शरीर के हर एक जॉइंट के बीच में जो साइनोवल फ्लूइड होता है इनके ऊपर प्रभाव डाल सकते हो। तो इस तरीके से हमें 2 से 3 मिनट के लिए यह पूरी जो मेडियन है इनको मसाज देना है। इनके बाद फिर यहाँ पर हमें मेथी के दाने लगा देने हैं। इस तरीके से पेपर टेप लेनी है, इनके ऊपर थोड़े से मेथी के दाने चिपका देने हैं। फिर हमारा जो यह मेडियन है जेडी मेडियन, वहाँ पर यह दानों को इस तरीके से लगा देने हैं। यह सीड को आप 4 से 5 घंटों के लिए लगा के रख सकते हो, इनके बाद फिर इनको निकाल देना है। इसी तरीके से हमारा जो दूसरा फुट होता है वहाँ पर भी यह जेडी मेडियन होती है, तो वहाँ पर भी हमें मसाज करना है। तो सेकंड टो इनके अंदर की यह वाली लाइन, यहाँ पर हमें इस तरीके से 2 से 3 मिनट के लिए मसाज करना है। फिर यहाँ पर वापस से हमें यह मेथी के दाने वाली पेपर टेप को चिपका देना है। तो यहाँ पर हमने यह जो एक्यूप्रेशर मसाज की टेक्निक सिखाई, इनको अगर आप दिन में एक बार 2 से 3 मिनट के लिए भी कर लेते हो तो शरीर के किसी भी जॉइंट में अगर आपको दर्द हो रहा है, सूजन है, आर्थराइटिस है, तो उसमें आप फायदा ले सकते हो। तो आशा रखता हूँ कि आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो यह वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर ताकि सभी को हेल्प मिल पाए। और ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।